नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, सन 2021 के नवंबर माह में पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में हम बातचीत करेंगे। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, साथ में इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं किन लोगों के ऊपर। ऐसे तो नियम है, चंद्र ग्रहण के काफ़ी समय पहले ही सूतक काल लग जाता है और अन्न जल का त्याग करना चाहिए, लेकिन आम जन मानस के लिए यह संभव नहीं है। ऐसे भी शास्त्र के अनुसार रोगी, वृद्ध और बालक को नियमों में छूट दी जाती है, और आज के युग में लगभग व्यक्ति किसी न किसी छोटे बड़े रोग से पीड़ित है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो गर्भवती महिलाओं के लिए। विज्ञान भी मानता है कि गर्भवती महिलाओं का प्रतिरोधक प्रभाव जो होता है वह काफ़ी दुर्बल होता है। इस बात को हमारे मनीषियों ने बिना किसी लैब के बहुत पहले ही जान लिया था, और उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए थे जिसके द्वारा गर्भवती महिलाएं सुरक्षित रह सकें, जिससे उनका बच्चा जो आने वाला है वह स्वस्थ हो। अब वो क्या नियम है? सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को कहा जाता है कि आप घर से बाहर उस दिन ना निकलें, कोई यात्रा आदि ना करें। आप कोशिश करके सीधी मुद्रा में लेटी रहें, कोई चीज़ काटना पीटना या हिंसक विचारों से आप प्रभावित ना हों, और भगवान का नाम ही पूरे समय लेती रहें। अन्न जल का त्याग भी करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी समस्या हो, बीमारी हो, तो शास्त्र कहता है कि आप अन्न जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात होती है कि क्या पारंपरिक कुछ ऐसी क्रियाएं हैं? हाँ बिल्कुल, गाय के गोबर से गर्भवती माँ के पेट को क्लॉकवाइज 7 टाइम घुमाना चाहिए, और गोबर को थोड़ा सा पेट में टच कराना चाहिए, और उस गोबर को घर से बाहर ले जाकर रख देना चाहिए। माँ को सीधी मुद्रा में ही पूरा समय अपना व्यतीत करना चाहिए। घर में पानी या कोई खाद्य सामग्री है तो नियमतः ग्रहण के समय रखा हुआ भोजन खाने के योग्य नहीं होता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो फेंकी नहीं जा सकती हैं। इस स्थिति में उसमें तुलसी दल को मिलाकर रख दिया जाता है। आपको पता होगा कि जैसे निगेटिव ऊर्जाएं नुकसान करती हैं, ऐसे ही तुलसी की पत्ती कहीं न कहीं एक बड़ी एंटीबायोटिक है, जिससे वह खाना सुरक्षित रहता है और बाद में ग्राह्य योग्य रहता है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए पंचांग के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कब यह पड़ने वाला है। दिन रहेगा शुक्रवार 19 नवंबर 2021। भारत के कुछ हिस्सों में भी केवल यह ग्रहण दिखाई देगा, पूरे भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देने वाला है। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर में 12:48 से 4:17 तक चलेगा। इसका मध्याह्न जो है 2:35 तक रहेगा। ग्रहण में क्या विशेष करना चाहिए? अगर इसकी बात की जाए मित्रों, तो ग्रहण के पूरे समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। कौन सी राशि के लिए क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में हम अलग से वीडियो आपको देंगे कि कौन सी राशियां इससे प्रभावित हो सकती हैं। ज्योतिष के बारे में या वास्तु के बारे में या हस्तरेखा के बारे में अगर आपको सीखना या जानना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, श्रद्धे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूले। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।